बस इतनी सी बात पे हमारा परिचय तमाम होता है, हम उस रास्ते पर नहीं चलते जो रास्ता आम होता है। मेरे पीछे मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शशांक दुबे, जो जबलपुर से अपनी साइकिल यात्रा को लेकर भोपाल जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल के जो दामों में वृद्धि हुई है उसको लेकर यहाँ मेरे आप पीछे देख सकते हैं कि करेली में इस नरसिंहपुर जिले में उनका युवा कांग्रेस के एनयूसीआई के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है और उनकी यात्रा में शामिल हुए हैं। हम सीधे चलते हैं बिना किसी रुकावट के अध्यक्ष जी के पास। जी, क्या उद्देश्य है इस यात्रा का आपका? पेट्रोल डीजल की जो मूल्य वृद्धि बेतहाशा हो गई है, आम जनता की कमर टूट चुकी है, उसके विरोध में जबलपुर से लेके भोपाल तक ये साइकिल यात्रा की जा रही है। और क्योंकि इस यात्रा के माध्यम से हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि जागी और आम जनता को राहत दीजिए। कांग्रेस के समय में शिवराज सिंह चौहान जी खूब साइकिल चलाया करते थे, तब कच्चे तेल के भाव बैरल के अलग थे और आज अलग हैं, और उसके बाद रेट आसमान छू रहे हैं। आज हम शिवराज जी को याद दिलाने जा रहे हैं कि अगर आपको याद नहीं है कि आप साइकिल चलाना भूल गए हैं, तो हम आपको याद दिलाने आ रहे हैं। और अगर आपके पास साइकिल नहीं है तो हम आपको सीएम हाउस आके भेंट करेंगे। उपचुनाव से जोड़कर देखी जा रही है आपकी ये साइकिल यात्रा, आगामी उपचुनाव में इसका क्या कनेक्शन है? देखिए, उपचुनाव एक अलग चीज़ है, वो आम जनता उसका फैसला करेगी, लेकिन आज जनता करा रही है। और पूरे देश में उपचुनाव नहीं है, मध्य प्रदेश की भी बात है, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं कि आइए नरेंद्र मोदी जी जागिए और शिवराज जी जागिए और आम जनता को राहत दीजिए, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दामों के बढ़ने के कारण महंगाई भी आसमान छुएगी। क्योंकि जब आवक जावक के रेट बढ़ जाएंगे तो फिर सीधे सी बात है। कैसा आपको रिस्पांस मिल रहा है? आप जबलपुर से लेकर आज नरसिंहपुर पहुंच गए हैं, क्या आम जनता में इस यात्रा को लेकर उत्साह दिख रहा है? देखिए, आम जनता बिल्कुल इस बात को समझ रही है और सिरे से नकारेगी भारतीय जनता पार्टी को। समय आने दीजिए, 23 और 24 में नजारा दिखेगा, और अभी उसके पहले उपचुनाव में एक नजारा अभी आपको तत्काल में देखने मिलेगा। भोपाल पहुंचने के बाद क्या बड़ा कार्यक्रम होगा, इस यात्रा का समापन कैसे होगा? बिल्कुल, इस यात्रा में बहुत सारे हमारे युवा साथी भोपाल पहुंचने वाले हैं, हमारे सीनियर लीडर पहुंचने वाले हैं, हमारा युवा नेतृत्व पहुंचने वाला है, और वो पूरी ताकत के साथ शिवराज जी को ये साइकिल भेंट करने के लिए भोपाल में हम जाएंगे। आखिरी सवाल अध्यक्ष जी आपसे, सत्ता जब थी तो बड़े नए नए चेहरे कांग्रेस में सत्ता की मलाई खाने आते थे, आज मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ मेहनती जो विपक्ष में 15 साल से विपक्ष में अपनी भूमिका निभा रहे थे, आज वही चेहरे आपके साथ हैं, तो क्या फिर से अगर सत्ता आएगी तो फिर वही होगा और जो कांग्रेस काम करता है वो दुखी रह जाएगा? देखिए, ऐसा हुआ नहीं है, हुआ है जिले में तो बहुत। देखिए, यहाँ की परिस्थितियाँ मैंने सबसे समझी है, कुछ लोग हो सकता है कि कांग्रेस के जब सरकार आई तो जिन्होंने कभी झंडा नहीं उठाया या झंडे के नीचे खड़े नहीं हुए या कांग्रेस का नाम भी जबान से ना लिया हो, इर्द गिर्द घूमने लगे हों। इर्द गिर्द घूमने का मतलब ये नहीं है कि हमने उनको ताज पहना दिया रहा। ठीक है, आइए, सबका स्वागत है कांग्रेस पार्टी में, लेकिन ताज पहनने के लिए कार्यकर्ता ही है। समय ये तो ये थे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, जो कह रहे हैं कि इस यात्रा का समापन भोपाल में बहुत जोरों शोरों से होगा और इस यात्रा का सीधा कनेक्शन आम जनता से है। कैमरामैन सोनू श्रीवास्तव के साथ मैं अमन खान, बहुत बहुत धन्यवाद।